ज्यादातर मेवाड़ा समाज में अन्य समाज के लोग रहते हैं और ये गांव के लोग मेरे पास आए थे, यहाँ के सरपंच भी मेरे पास आए थे, यहाँ के पटेल ने भी मुझसे की मेवाड़ा साहब हमारा गांव का बीड़ा तो उठाओ, क्योंकि देश के राजनेता तो आज आप मुंह के बैठे हुए, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। ऐसी भयंकर गर्मी में न बिजली है न पानी है, यदि बिजली होती थी मोटर चलती, आज ये महिला 3 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है, 3 किलोमीटर दिन भर पानी में होता है, आधे लोग बीमार है, रात रात भर लाइट नहीं रहती, रात रात भर जगह दिन भर ये कुएं से पानी ले जाती। आज ये घटना माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी आपने अभी 4 दिन पहले आदेश करा था कि बिजली पानी के विषय में आपने सुबह 6 बजे मीटिंग बुला ली थी। मुख्यमंत्री शहर की जनसंख्या है, सबसे अधिक गाँव है, यहाँ 20 हैंडपंप है, एक भी हैंडपंप चालू नहीं है, सब सूखा है, 3 किलोमीटर दूर है, खंडर कुएं में आते हैं और जब लाइट नहीं रहती ये देखो मोटर बंद पड़ी है तो खींच करके पानी ले जाते, कल से दुर्घटना होने की भी संभावना। अभी एक कुएं में अभी कुछ दिन पहले एक लाश निकाली, ऐसे पानी भरते हुए दुर्घटना घट गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती कराता हूँ, आप जिला परिषद को निर्देश दीजिए, आप विद्युत मंडल के जय श्री राम को सस्पेंड करिए, वो तो फोन तक नहीं उठाता रात में जब लाइट आती, तो जय श्री राम बिल्किसगंज का जय तो सुनता तक नहीं है, उसके तत्काल प्रभाव से आप निलंबित करिए जनता की मांगे, भाई जय श्री राम निलंबित होना चाहिए, जय श्री राम, जय विद्युत मंडल निलंबित करो, जय विद्युत मंडल को। मेरा नाम अनीता है, खामलिया की रहने वाली हूँ, तो सर 3 किलोमीटर से ला रही हूँ पानी, गांव में तो पानी है नहीं, कुआ में देखना पड़ता, बरमा है, टंकी है, ये सब खाली पड़ा, उनमें पानी नहीं है, इसलिए यहाँ से ले जाती हूँ, बच्चे भी साथ आते हैं, उन बच्चों को भी लाना पड़ता है क्योंकि कोई घर रखी गया नहीं है, तो अब पानी तो पीना में भी चाहता है, नहाना धोना में लेटरिन बाथरूम में बहुत पानी चाहता है सर, हम बहुत पछते हो गए पानी भर भर के, पर हमें के शर्मा सब इंजीनियर PHE हूँ और आदरणीय मेवाड़ा जी और सरपंच साहब के द्वारा ग्राम खामलिया में पेयजल संकट की सूचना पे मैं यहाँ पे नल जल योजना का निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पेयजल हेतु 12 हैंडपंप और 5-8 इंची नलकूपों का खनन करवाया है। 8 इंची नलकूपों से ग्राम की नल जल योजना अभी तक चली थी, अभी कुछ दिनों से ग्राम की 2 माह से ग्राम की नल जल योजना यहाँ के नलकूप में जल स्तर नीचे गिर जाने से सूख जाने से बंद हो गई है। अब आदरणीय मेवाड़ा जी और सरपंच साहब का कहना है कि यहाँ पे एक नवीन नलकूप खनन कराया जाए, तो एक नई नलकूप खनन का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सिंगल फेस मोटर डाल के गाँव की जल समस्या का निराकरण किया जाएगा। हमें देख सकते हैं कि ये इनके घंटे जो है पानी के यहाँ पर यहाँ पर लाइन लगा कर कब इनका नंबर भी आएगा, तो इन घंटों की मशक्कत तारीफ करने की कोई बात नहीं, हर बार की पानी कहाँ से भरा ज्यादा साथ है और मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ, जब भी पानी में कुएं से खींच के लाता हूँ तो पानी खींचता नहीं, पानी भी साफ नहीं है, वो गंदा पानी कचरे का और उसमें भी जानवर पड़े हुए हैं, पर क्या करे, उसको भी जैसे कपड़े बिछान के नहीं पीना पड़ता है, बच्चे हमारे परेशान रहते हैं, बच्चे उनकी रात भरावा करते हैं बेचारा इनके, उनके मच्छर खाते बीमार हो जाते हैं, पैसे है नहीं, गरीब लोग हम क्या 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 करें, मोल का पानी ला के बच्चे उनको उचे रहा है, क्या करें, हम तो नेठूं परेशान। सिंह चौहान जी का गृह जिला है और इस समय हम ग्राम पंचायत खामलिया में है, इस पंचायत में 5,000 की जनसंख्या रहती है और लगभग यहाँ 15 हैंडपंप है, 15 ही सूखे है, 8 और बोर खनन है वो भी सूखे पड़े है, PHE की पानी की टंकी पड़ी बनी हुई है, नल भी लगे हुए लेकिन पानी नहीं है, 2-2, 3-3 किलोमीटर में तक पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया, इसलिए आज ग्रामीण जनता का ने मुझे इससे मांग करी, सरपंच जी से मांग करी कि यहाँ परिवहन की व्यवस्था, क्योंकि परिवहन ग्राम पंचायत कराने का अनुमति अधिकार दिया नहीं है सरकार ने, इसलिए जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मांग है कि आप परिवहन कराने की अनुमति कलेक्टर मोदी जिला सीओ को दे, ताकि यहाँ परिवहन करके 5,000 जनता को पानी पिलाया जाए, यहाँ की जनता परेशान हो रही है, दूर दूर से महिलाएं कुआं से पानी ला रही है भरी दबोरी में, दूसरी बात यहाँ विद्युत की बिजली की भी बहुत समस्या है, रात रात भर लाइट नहीं मिलती, मच्छरों से लोग परेशान है,
इस बात को लेकर के भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विद्युत मंडल सीओर को निर्देश दीजिए कि तत्काल यहाँ लाइट की व्यवस्था कराई जाए। लाइट बहुत कटौती होती रात में, जिसके कारण भी पानी का संकट खड़ा होगा। यदि बिजली मिले थोड़ा बहुत दूर से, 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाए तो वहाँ लाइट नहीं, मोटर कैसे चले। इसलिए पानी का संकट बिजली के कारण भी खड़ा होगा। इसलिए मानेंगे तभी परिवहन हो पाएगा। पंचायत को तो अधिकार है नहीं कि वो डायरेक्ट परिवहन कर दे। इसलिए सब जनता की यही मांग है कि पानी परिवहन करा के और गांव में पानी व्यवस्था की जाए, क्योंकि 5,000 की जनसंख्या का गाँव है ये खामलिया गाँव, और सीहोर जिले से लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये गृह जिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दें कि जो उन्होंने सुबह 6 बजे मीटिंग बुलाई थी आज से 4-6 दिन पहले, और बिजली और पानी को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। मीटिंग भी ली थी, यहाँ के कलेक्टर महोदय को बुलाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ना तो अभी तक बिजली की व्यवस्था हो पाई। बिजली क्यों, रात रात भर बिजली नहीं मिली। बिजली के लिए भी पूरा गांव का गांव आजू बाजू गांव परेशान है, और पानी को लेकर के अब हमें उम्मीद जागी है। पीएच विभाग के अधिकारी आए हैं, अब हमें भरोसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे हम कलेक्टर महोदय का, पीएच विभाग का, कि जो हमारे गाँव में पानी की समस्या हो, या आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं।